जोहार, नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में रोनमन का स्वागत है। मैं सत्यव्रत ठाकुर देश दुनिया राइज और जिला का समाचार का संगे रोनमन कर बीच में उपस्थित हूँ। धन्यवाद। चतरा पुलिस के भेटालक बड़ सफलता, 50 लाख का 2 नक्सली सहित 5 जन नक्सली होले ढेर। चतरा और पलामू कर सीमान में लावालोंग थाना क्षेत्र कर नौडीहा जंगल में सुरक्षा बल और माओवादी मन कर बीच में भीषण मुठभेड़ होला। मुठभेड़ में सुरक्षा बल कर जवान मन 5 गो माओवादी के मार गिरा लय, जेकर में सैक सदस्य 25-25 लाख कर 2 नक्सली उत्तम पासवान उर्फ बड़कादा और अजीत उराव उर्फ चार्लिस सहित अमर गंजू उर्फ धीरू, नंदू उर्फ अजय यादव और संजीत भुइया उर्फ सागर तीनों 5-5 लाख रुपया कर इनामी नक्सली शामिल हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन बतालें कि उनके गुप्त सूचना भेटाए रहे, जेके देखते सीआरपीएफ 119 बटालियन, कोबरा बटालियन, जैप आईआरबी कर संगे पलामू और चतरा जिला का जवान मन चतरा पलामू सीमान में नौडीहा जंगल के चारों दन से घेर के छापामारी अभियान चलात रहे, जेके देखते माओवादी और पुलिस दुयो बट से लगभग 1000 राउंड गोली चललक, जेकर में 5 नक्सली घटना स्थल में है मारल गेलै। इकर बाद छापामारी अभियान में पुलिस से लूटल 2 AK-47, 1 इंसांस और 303 कर 3 राइफल सहित ढेरे गोली बारूद और नक्सली मनकर बैग और किताब सहित ढेरे सामान मन जब्त करल जाए। घटना का जानकारी मिलते हजारीबाग पुलिस महानिदेशक संजय आनंद राव लाटकर, IG नरेंद्र कुमार, चतरा SP राकेश रंजन, सीमेरिया SDPO अशोक कुमार प्रियदर्शी, CRPF 119 कर बटालियन कर कमांडेंट सहित औरों मन घटनास्थल पहुँच के सब नक्सली मन का शव के अपन कब्जा में लेते पोस्टमार्टम लागिन भेज दिले। अंतर्गत नौडिया जंगल के अंदर आज सवेरे ये मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 2 सैक मेंबर, बीजे सैक मेंबर, बिहार झारखंड स्टेट एरिया कमेटी मेंबर, 2 25-25 लाख रुपए के इनामी सुरेश पासवान, गौतम पासवान और बड़कादा एवं 40 उराव, जो पूर्व के भी दुर्दांत नक्सली रह चुके हैं, 50 से 60 केसेज इनके ऊपर वांछित हैं। इसके अलावा 2010 के अंदर भी सतवाहनी के अंदर प्रतापपुर के अंदर पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। उस समय के ये लोग दुर्दांत नक्सली हैं। इसके अलावा 3 सबजोनल और इसमें मारे गए हैं, अमर गंजू, नंदू उर्फ नंदू और एक संजीत भुइया। ये इसमें ये डुमरिया का रहने वाला है गौतम पासवान, और 40 उराव जो है बालूमात लातेहार का है। और इसमें पुलिस अधीक्षक श्री राकेश को ये सूचना मिली थी, टेक्निकल इनपुट था इसमें, और ये सूचना फिर थाना प्रभारी लावालौंग को दी गई। कोबरा की टीम वहाँ थी, 203 कोबरा की टीम वहाँ थी, और इसका एक फिर एक ऑपरेशन प्लान बना। इस ऑपरेशन प्लान के अंदर पलामू SP को भी सूचित किया गया, तो वहाँ से भी एक 134 बटालियन CRPF की भी एक कंपनी वहाँ थी, उस तरफ से कट ऑफ में थी। और ये जवाबी फायरिंग जब हुई वहाँ से नक्सलियों से, वो जवाबी फायरिंग के अंदर जब हम लोगों के कोबरा के जवान और जो हम लोगों के चतरा पुलिस के जो सब इंस्पेक्टर और जो सिपाही थे, उन्होंने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें ये मुठभेड़ में मारे गए। इसमें 2 पुलिस लूटेड AK-47 बरामद हुई हैं, जो पुलिस के द्वारा एक टाइम में लूटी गई थी। वो हम लोग एक वायरलेस मैसेज करेंगे पूरे देश भर में कि ये किस जगह की लूटी हुई है। इसमें एक इंसास पुलिस लूटेड इंसास भी हम लोगों को मिली है, और 2 हम लोगों को कंट्री मेड 303 राइफल इसमें मिली है। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी सफलता है, और इसमें ये जो मध्य जोन है और चतरा पलामू जो सब जोन के ये नक्सल हैं, तो बड़ा झटका लगा है, और ये पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है। इस तरह से हम लोग आगे भी ऑपरेशंस करते रहेंगे। मेरी यही अपील रहेगी कि जो हमारी सरेंडर पॉलिसी है सरकार की, जितने नक्सल्स जो बचे हुए हैं, बचे कुछ नक्सल्स हैं जो बिहार और चतरा के बॉर्डर पे, पलामू के बॉर्डर पे हैं, वे इस सरेंडर पॉलिसी का फ़ायदा उठाएं और ये लोग जल्दी से जल्दी सरेंडर करें, अन्यथा हम लोग ऑपरेशन प्लान इसी तरह से करते रहेंगे और आगे भी हम लोगों को इस तरह से होता है। सर, चतरा में लगातार गौतम पासवान का ही दस्ता सक्रिय था, तो क्या माना जाए सर, चतरा शांत होगा? चतरा में गौतम पासवान एवं पलामू में भी जो मध्य जोन था वहाँ भी ये गौतम पासवान और सुरेश पासवान और बड़कादा, ये काफ़ी दुर्दांत नक्सली थे। डुमरिया बिहार का रहने वाला है, गया का है, और ये जरूरी एक बड़ी सफलता है, और इस पर एक नक्सलियों को झटका लगा है। बिहार पुलिस के लिए भी एक अच्छी उपलब्धि है, और
आगे भी इस तरह के ऑप्शन सफलता का श्रेय किनको दीजिएगा सर? ये पूरा एक टीम एफर्ट होता है, सफलता किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। इसमें जो टेक्निकल इनपुट था वो एसपी चतरा का था, और जो ऑपरेशनल प्लानिंग हुई है वो कोबरा 203/134 बटालियन पलामू से, और जो अपने थाना लावालोंग थाने के पुलिसकर्मी